इस वीडियो में मैं आपको एंड्रॉयड फोन की एक ऐसे सेटिंग के बारे में बताऊंगा जो बहुत ही खास है हर एक एंड्रॉयड यूजर्स के लिए। और अगर आपके फोन में इस सेटिंग में छेड़छाड़ की गई है, यानी कि बदलाव देखने को मिल रहा है, तो आप 100% समझ जाइए आपका फोन हैक हो चुका है। और अगर इस तरीके से इस सेटिंग की वजह से आपका फोन हैक हुआ है, तो आप अपने मोबाइल फोन में कुछ भी चीजें करो, चाहे आप अपने मोबाइल फोन में कोई ऐप इंस्टॉल करो या फिर कोई फोटो वीडियो सेव करो, ठीक है ना, यानी कि अगर हैकर्स इस सेटिंग को चेंज कर देता है आपके फोन में, तो आप अपने मोबाइल फोन में कौन कौन से ऐप को इंस्टॉल कर रखे हो, किस ऐप को आप यूज करते हो, कब यूज करते हो, इसके अलावा आपके फोन में कितने सारे फोटोज हैं, वीडियोज हैं, कौन कौन से फोटोज हैं, वीडियोज हैं, और आपका कॉल हिस्ट्री ए टू जेड सब कुछ निकाल सकता है। आपका लोकेशन भी पता कर सकता है कि आप अभी कहां पर हैं या कहां जा रहे हैं। यानी कि इस सेटिंग को अगर वो चेंज कर देता है आपके फोन में, तो आपकी हर एक एक्टिविटी पर हैकर्स नजर रख सकता है। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। आज मैं आपको उसी सेटिंग के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा। सिर्फ एक सेटिंग है और इसी एक सेटिंग की वजह से आपका पूरा फोन हैक हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको उस सेटिंग को चेक करने का पूरा प्रोसेस बताऊंगा, और साथ ही ये भी बताऊंगा कि अगर आपके फोन में उस सेटिंग में छेड़छाड़ की गई है, चेंजिंग देखने को मिला है, तो फिर आप उस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स कर सकते हैं। सो वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी, लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही आप लोग टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अगर आप लोग ग्रुप को ज्वाइन करेंगे तो वहां पर आप डायरेक्ट हमसे कॉन्टेक्ट कर पाएंगे, चैट कर पाएंगे, किसी भी प्रकार की समस्या हो वहां पर अपना प्रॉब्लम रख सकते हैं पूरी डिटेल में। लिंक आपको दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी मैं आपको जिस सेटिंग के बारे में बताने वाला हूं, यह सेटिंग हर एक एंड्रॉयड डिवाइस में कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और अगर इस सेटिंग में छेड़छाड़ की गई है, यानी कि चेंजिंग देखने को मिल रहा है, तो आप समझ जाना 100% आपका फोन हैक हो चुका है, ठीक है। तो वह सेटिंग आपको कहां पर देखने को मिलेगा, सबसे पहले समझ लेते हैं। उसके लिए आपको करना क्या होगा, या तो आप यहां से सेटिंग्स को ओपन कर लीजिए, या फिर आप डायरेक्ट स्लाइड कीजिए कुछ इस तरीके से, और सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कीजिए। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, तो आप सेटिंग वाले पेज पर आ जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर या तो नीचे स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हैं, उस ऑप्शन पर जा सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर आपको सर्च करना है, सर्च वाले आइकन पर क्लिक करके, और यहाँ पर आपको टाइप करना है बैकअप, कुछ इस तरीके से आपको टाइप करना है। तो जैसे ही आप बैकअप टाइप करेंगे, एक ऑप्शन आपको दिखेगा गूगल बैकअप, आप सिंपल गूगल बैकअप पर क्लिक कीजिए। तो गूगल बैकअप पर क्लिक करने के बाद इस तरीके से एक पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा गूगल अकाउंट, इस गूगल अकाउंट पर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद देखिए, यहीं पर आपको वह सारी सेटिंग्स देखने को मिल जाएगी। वैसे तो एक ही सेटिंग है, लेकिन आपको यहाँ पर सारे के सारे सेटिंग्स देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आपका जीमेल अकाउंट शो करेगा, ठीक है, ठीक है ना। यहाँ पर आपका ईमेल आईडी शो करेगा, और यहाँ पर आपको स्टोरेज दिखाया जाएगा कि आपके जीमेल अकाउंट पर कितना स्टोरेज अभी खाली है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, आपको एक ऑप्शन दिखेगा बैकअप बाय गूगल वन, और यहाँ पर 10 मिनट्स एगो दिखा रहा है, यानी कि 10 मिनट पहले बैकअप लिया गया है। और ये ऑप्शन आपके फोन में अगर इनेबल है तब तो अच्छी बात है, लेकिन इनेबल के साथ साथ अगर यहाँ पर देखिए, जो जीमेल अकाउंट आपको शो कर रहा है फोन में, यह जीमेल अकाउंट आपका नहीं है, या तो आपने कभी इस सेटिंग को ऑन ही नहीं किया, उसके बावजूद भी यहाँ पर ऑन हो रखा है, तो समझ जाना प्रॉब्लम है, यानी कि फोन हैक है। या फिर अगर आपने यहाँ पर आकर के इस सेटिंग को इनेबल तो किया था, बट यहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी लिंक किए थे, लेकिन अब अगर आप चेक कर रहे हैं अपने फोन में, तो आपका ईमेल आईडी यहाँ पर शो नहीं कर रहा, किसी दूसरे का ईमेल आईडी यानी कि अदर ईमेल आईडी यहाँ पर शो कर रहा है, तो आप 100% समझ जाना कि आपका फोन फुल्ली हैक्ड हो चुका है। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर नीचे आइए, क्या लिखा हुआ है, योर डिवाइस बैक्स अप ऑटोमेटिकली ओवर वाईफाई आफ्टर इट हैज बीन आइडल एंड चार्जिंग फॉर 2 आवर्स। मतलब कि आपका जो डिवाइस है ऑटोमेटिकली बैकअप लेते रहता है वाईफाई पर, ठीक है ना। और इसके अलावा ये जो ऑप्शन है वो इनेबल किया हुआ है, बैकअप बाय गूगल वन, ये ऑप्शन इनेबल हो रखा है, तो ऑटोमेटिक आपका डिवाइस बैकअप लेते रहता है, आपका डिवाइस का बैकअप यहाँ पर होते रहता है। अब क्या क्या बैकअप होते रहता है, बैकअप डिटेल्स में आकर के चेक कर लीजिए। नीचे आना है आपको,
यहाँ पर देखिए सारे ऑप्शन दिखेंगे। आप अपने मोबाइल फोन में टोटल कितने ऐप इंस्टॉल करके रखे हुए हैं उसका सारा बैकअप यहाँ पर दिखता है। आपके जीमेल अकाउंट पर जो ऊपर में लिंक किया हुआ है उस जीमेल अकाउंट पर उन सारे एप्लीकेशन का बैकअप जा रहा है। अब ऐसे में आपके लिए कोई प्राइवेट ऐप होगा, पर्सनल ऐप होगा, जिसको आप सिर्फ खुद यूज करते होंगे, किसी को यूज करने नहीं देते होंगे, तो वैसे में उस एप्लीकेशन का भी बैकअप यहां पर हो रहा है। तो उस एप्लीकेशन का जो डाटा बैकअप है इसी ईमेल अकाउंट पर हो रहा है, तो भाई वो तो ईमेल अकाउंट किसी और का है। तो ऐसे में आप कौन सा एप्लीकेशन यूज करते हैं और उस एप्लीकेशन में आप क्या करते हैं, कौन सा डाटा आप रखे हुए हैं, उस सब कुछ हैकर्स को पता चलता रहेगा। इसके अलावा अब दूसरा ऑप्शन देखिए, यहां पर है फोटोज एंड वीडियोज का ऑप्शन, ठीक है। आप इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद बैकअप जो है, बैकअप फोटोज एंड वीडियोज फ्रॉम दिस डिवाइस टू योर गूगल अकाउंट, ये आपके फोन में इनेबल हो रखा है। अब इसका मतलब क्या है कि आपके फोन में जितनी भी फोटोज वीडियोज आप सेव करके रखते हैं वो सारे के सारे फोटोज वीडियोज का बैकअप इसी जीमेल अकाउंट पर हो रहा है, जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो आपके लिए जो भी प्राइवेट फोटोज है, पर्सनल फोटोज है, ठीक है, या जो नॉर्मल फोटोज है, सब एक जैसा हो जाएगा। मतलब कि कुछ भी प्राइवेट आपके लिए नहीं बचेगा, कुछ भी पर्सनल आपके लिए नहीं बचेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस जीमेल आईडी पर बैकअप हो रहा है और यह ईमेल आईडी किसी और का है, तो वैसे में आपकी सारी फोटो और वीडियो देखी जा सकती है, देखी जा नहीं सकती बल्कि 100% देख सकता है, कोई भी निकाल सकता है आपका फोटो वीडियो, ठीक है। यहाँ पर देखिए बैकअप अभी जारी है, जैसा कि आप देख रहे होंगे 660 MB हुआ है, ठीक है ना। तो बैकअप अभी जारी है आपके ड्राइव का, जो गूगल ड्राइव है, आपके जीमेल का, एंड मोर, और भी बहुत कुछ जिसका बैकअप इस जीमेल अकाउंट पर हो रहा है। तो आपका ड्राइव हैक हो गया, आपका जीमेल हैक हो गया, और भी सारी चीजें आपकी हैक हो जाएगी और सारी चीजों पर नजर रखा जाएगा दूर बैठे। और नीचे आपको आना है, यहां पर देखिए मैं आपको बता दूं, बैकअप क्वालिटी ओरिजिनल आपको दिखेगा, ठीक है। उसके बाद मोबाइल डाटा यूजेज पर क्लिक करके यहां पर बैकअप वीडियो ओवर डाटा इसको इनेबल कर देगा अगर हैकर्स, और अनलिमिटेड को सिलेक्ट कर लेता है। तो वैसे में आप किसी भी प्रकार का कितनी भी फोटो वीडियो अपने मोबाइल फोन में सेव करो, वो सब कुछ दूर बैठा हैकर्स देख सकता है, क्योंकि उसके ईमेल आईडी पर सारा फोटो वीडियो जा रहा है। इसके अलावा बैकअप डिवाइस फोल्डर, इस पर क्लिक करके देखिए, यहां पर अगर स्क्रीनशॉट इनेबल कर देता है तो भाई आपका तो बैंड बच जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए काफी सारे यूजर्स क्या करते हैं, इवन मैं भी कभी कभी करता हूं, कुछ ऐसी चीजें होती है जो मान लीजिए किसी अकाउंट का पासवर्ड होता है, तो उसको मैं याद रखने के लिए उसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूं। अब अगर आप स्क्रीनशॉट लेते हैं और यहां पर ये ऑप्शन इनेबल किया हुआ है, तो भाई उस स्क्रीनशॉट का भी बैकअप उसी जीमेल अकाउंट पर होता रहेगा। और अगला जो पर्सन है यानी कि हैकर्स जो है, उस जीमेल अकाउंट के थ्रू आपका स्क्रीनशॉट वाला फोटोज या जो डाटा है देख सकता है और आसानी पूर्वक आपके दूसरे अकाउंट को भी हैक कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप फटाफट इसको बंद कर दीजिएगा आकर के, तब आपका स्क्रीनशॉट का बैकअप नहीं लिया जाएगा। उसके अलावा बैक आना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है SMS एंड MMS मैसेजेस। आपके मोबाइल फोन पर जो नॉर्मल मैसेज आते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप फेसबुक तो छोड़ दीजिए, जो नॉर्मल मैसेज आते हैं उसको भी यहां पर से बैकअप किया जा सकता है और आपके सारे SMS को देखा जा सकता है। और इसके अलावा है कॉल हिस्ट्री। कॉल हिस्ट्री से समझ गए होंगे कि आप कब किससे क्या बात करते हैं, आपके फोन में कौन कौन से नंबर है, आपके फोन में कितने नंबर है और कौन से गर्ल्स के नंबर है और कौन से बॉयज के नंबर है, कब आपके नंबर पर फोन आता है, कब आप किसी को कॉल करते हैं, वो सारी कॉल हिस्ट्री निकाली जा सकती है इस जीमेल अकाउंट के जरिए, क्योंकि इसका बैकअप भी उसी जीमेल अकाउंट पर हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पर डिवाइस सेटिंग्स का ऑप्शन है, ये तो अलग बात है, डिवाइस सेटिंग का भी बैकअप हो रहा है। और एक ऑप्शन है गूगल अकाउंट डाटा, इस पर क्लिक कीजिए, ऊपर में आपका जीमेल अकाउंट शो करेगा। उसके अलावा कैलेंडर हो गया, कॉन्टैक्ट हो गया, ड्राइव हो गया, जीमेल हो गया, गूगल कैलेंडर हो गया। उसके अलावा यहाँ पर गूगल प्ले मूवीज, कीप नोट्स, टास्क इन कैलेंडर, ये सारे के सारे ऑप्शन इनेबल हैं। और इनेबल ही नहीं है बल्कि इन सारी चीजों का बैकअप उस पार्टिकुलर जीमेल अकाउंट पर हो रहा है और सारी चीजें बैकअप होने के बाद आप बाद में उसे निकाल सकते हैं, तो हैकर्स भी निकाल सकता है, देख सकता है। तो अगर आपके फोन की इस सेटिंग में, ठीक है, यहाँ पर कोई दूसरा ईमेल अकाउंट लिंक किया हुआ है तो आपकी सारी चीजों पर नजर रखी जा सकती है, आपका सारा डाटा लीक हो जाएगा, आपको इन फ्यूचर बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो आपको करना क्या है, सिंपल, यहां पर आकर के, क्योंकि अगर एक बार यहां से सारा डाटा लीक हो जाएगा तो आपको बाद में ब्लैकमेल भी किया जा सकता है, आपसे पैसे भी लिए जा सकते हैं या फिर और भी कई तरह की प्रॉब्लम आपको आ जाएगी। तो आपको यहां पर क्या करना है, इस ईमेल आईडी को चेंज कर देना है,
ठीक है ना। तो इस ईमेल आईडी को चेंज करने के लिए सिंपल आपको मैनेज स्टोरेज पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपने प्रोफाइल पर क्लिक करना है, ठीक है, और यहाँ पर आपको ऐड अनदर अकाउंट पर क्लिक करके दूसरा अकाउंट ऐड कर लेना है। अगर आप इतना नहीं करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको बैक आना है और यहाँ से बैकअप बाय गूगल वन जो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा इसको बंद कर देना है। बस इसको अगर आप बंद कर देंगे तो अगर कोई दूसरा ईमेल आईडी भी यहाँ पर लिंक हो रखा है तो उस ईमेल आईडी पर बैकअप होना बंद हो जाएगा और वो आपकी कुछ भी चीजों पर नजर नहीं रख सकता है। तो आप इस सेटिंग को चेक कर लीजिए और अगर किसी भी प्रकार की छेड़खानी है तो आप यहाँ से फिक्स कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कुछ भी चीजों का यहाँ पर बैकअप ना हो तो आप सिंपल यहाँ पर बंद कर दीजिएगा, तो ना ऐप्स का बैकअप होगा इस जीमेल अकाउंट पर और ना ही फोटोज, वीडियो, एसएमएस, कॉल हिस्ट्री, कुछ भी चीजों का बैकअप नहीं लिया जाएगा। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि कहीं आपका फोन किसी के वश में तो नहीं है, कहीं आपके फोन का सारा डाटा किसी और जीमेल अकाउंट पर बैकअप तो नहीं हो रहा, कहीं आपका फोन पूरी तरह से हैक तो नहीं है। मुझे उम्मीद है दोस्त इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग इजी तरीकों से अपने फोन की इस खास सेटिंग को चेक कर पाएंगे और कंफर्म कर पाएंगे कि कहीं आपका फोन हैक तो नहीं हुआ है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपके फोन की इस सेटिंग में चेंजिंग भी देखने को मिला या फिर नहीं। फटाफट आप चेक करके कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो लाइक और शेयर कर दीजिए, साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। और अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट है, कन्फ्यूजन है, किसी टॉपिक से रिलेटेड सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिए।